हेलो दोस्तों, आज की खबर कुछ लोगों के लिए सुकून देने वाली है तो कुछ लोगों को बेचैन करने वाली है। ये जीत हम सबकी जीत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी खबर सुनाई है कि जिससे हमारे कई सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है जो किसी भी तरह से इंडिया के कल्चर, प्राइवेसी वगैरह को वायोलेट कर रही थी। जो एप्स बैन हो चुकी है उनके नाम कुछ इस तरह है: टिकटॉक, शेयर इट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एम आई कम्युनिटी, सी एम ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर, रोम डब्ल्यू ई, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूट्री प्लस, वी चैट, यू सी न्यूज, क्यू क्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यू क्यू म्यूजिक, क्यू क्यू न्यूज फीड, बिगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरल स्पेस, एम आई वीडियो कॉल, शाओमी, वी सिंक, ई एस फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मी टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, ड्यू रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैश क्लीनर, ड्यू एप स्टूडियो, ड्यू क्लीनर, ड्यू ब्राउजर, हागो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू क्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, ड्यू प्राइवेसी। तो जो एप्स बैन हो चुकी है वो सब एप्स के नाम मैंने गिनवा दिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये खबर सुन के क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना प्लीज़। बाय बाय, थैंक यू।